क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। प्रवीण जी नमस्कार। सत्य लिखी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम के लिए टीम की तरफ से भी आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य लखीर की एक मुहिम पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है कि हम अपनी सत्य लखीर की जो अखबार है उन लोगों से लॉन्च करवा रहे हैं जो लोग हमेशा लोगों के काम के लिए आगे आते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। तो आज हमारे साथ रीमा पादा जी मौजूद हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और काफ़ी सारे काम लोगों की सहायता भी करते हैं। उनसे दो शब्द हम अपनी अखबार के बारे में आज जरूर जानेंगे। नमस्कार सभी जम्मूवासियों को। सबसे पहले तो मैं सभी जम्मूवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें ये साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और उन सबको जो हमारे ऊपर पैनेटमी का चल रहा है इस टाइम पे कोरोना का और ओमिक्रॉन आया हुआ है उन्हें सब माता रानी उन सबको बचाए इस बीमारी से। लेकिन एक दुखद समाचार आज मैं सुबह सुबह सुनने को मिला कि माता वैष्णो देवी में बहुत सारी एक दुर्घटना हुई है वहाँ पे की स्टैम्पीडिंग की जिसमें 15 लोग हताहत हुए हैं। अभी तक तो उनकी जांच तो हुई नहीं है लेकिन कम से कम 8 लोगों की जांच हुई है और उसमें से एक हमारे जम्मू से है नौशहरा से। तो मैं इन सब परिवार वालों को जिनके अपने परिजन खोए हैं उनसे कहती हूँ कि माता रानी उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस जो इनके साथ हुआ है वो उसको बर्दाश्त करने की उनको हिम्मत दे। और मैं जो हमारी ये सत्य लकीर है इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक ट्रू फैक्ट्स लोगों तक पहुँचाए और इनका अखबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। क्यों देती हूँ इनके इस अखबार के लिए और उम्मीद करती हूँ ये अखबार बहुत अच्छे तरह से लोगों की सेवा भी करे क्योंकि एक मीडिया जो है वो हमारा फोर्थ पिलर है क्योंकि इसके बिना हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ इनका ये पेपर बहुत अच्छा काम करे और लोगों की मदद भी करे क्योंकि पेपर मदद कर सकता है।